श्रद्धे भीमराव अंबेडकर जी के और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, श्रद्धे मुलायम सिंह यादव जी, दिनेश्वर मिश्रा जी के चरणों में सादर सुमन अर्पित करते हुए माननीय भीमराव अंबेडकर जी के वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संतोष जाटव जी, मंचा से समाजवादी पार्टी में पूरा जीवन समर्पित करने वाले इसी माटी के लाल आदरणीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री राकेश मौर्या जी, पूर्व सांसद किराकत के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री तूफानी सरोज जी, मंचा सिंह, सभी नेतागण साथी एवं उपस्थित सभी प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको कहना चाहेंगे कि जो जन सैलाब आपके सामने उमड़ा पड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर कहने में गुरेज नहीं, यह आदरणीय माननीय भीमराव अंबेडकर जी, लोहिया जी और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और जनेश्वर मिश्रा जी के विश्वास पर खरा उतर करके उनके पच्चीनों पर चलते हुए दलित समाज लड़ाई ले लिया है। निश्चित तौर पर इस भूमि वाली सरकार की यातनाओं से निजात पाने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर करके चलने में आपका महती भूमिका अदा कर रहा है। आज पीडीए के तहत जन पंचायत के माध्यम से गांव गिराव में चल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बातों को और इस भ्रष्ट सरकार की कुरीतियों को बतलाने का जो यह पीडीए के माध्यम से जन पंचायत चल रहा है, उसमें आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, माताओं बहनों का एवं पत्रकार साथियों का, सभी मंचाशील लोगों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। हम लोग जो पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माने हम लोगों के महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने के विचारों से उत्पन्न हुआ, जिसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आधी आबादी और अगले लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी, ब्रिजभूषण तिवारी जी के जो विचारों पर चलने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी पीडीए के सोच को अमली जामा पहनाने वाले हमारे समाजवादी जितने भी साथी हैं, सबका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। साथियों ज्यादा वक्त न लेकर के अपना संपूर्ण मन हम अपने महबूब नेता जो प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर वाहिनी जी के संतोष जाटव जी हैं, उनको देने का काम करेंगे कि एक साथियों यह जो तबे कुछ हमारे किसी भी समाज जाति धर्म के लोग हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी विचारक आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और भीमराव अंबेडकर जी के पश्चिमों पर चल करके यह जो आतंक मचाए हुए जो हमारे देश में कहने का हम काम कर रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं कि 200 साल अंग्रेजों ने जो इस देश में शासक के रूप में काम करने का काम किया, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका जो निवास था वह निवास ला करके जो या जो है आर्य शासन संघ के लोगों ने दे करके वो अपने आप को यहाँ से चले गए, लेकिन वह आर्य शासन संघ के लोग इस शासन में बैठाए भाजपा के लोगों को यह शासन नहीं बल्कि शासक के रूप में चलाने का काम कर रहे हैं। आम जनमानस को जो है वह ठगने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार से हम लोगों को त्रस्त कर दिए हैं। आने वाले समय में 2024 में पीटीए की समाजवादी पार्टी की जो महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके
इनकी जो विचार भाव है, इनकी सोच जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी सोच को हिंदुस्तान की गद्दी पर समाजवादी सरकार बना करके आम गरीब किसान मजदूर मजदूरों वंचित छात्र जवानों के हित की लड़ाई लड़ने वाले को जब तक स्थापित नहीं करेंगे तब तक यह संकल्प आज का जो है वह साकार होने का काम नहीं करेगा। इन्हीं बातों को लेकर के आप पीडीए पर विश्वास और भरोसा जताते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भीमराव जी के आदर्शों पर चल करके अपने अमली जामा माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को वह ताज दिल्ली का पहनाने का काम करेंगे। आए हुए सभी सम्मानित साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकसभा के बहुजन समाज के लोग संकल्प लेते हैं कि संविधान को बचाने के लिए इस सरकार को हटाने का काम करेंगे और इस सरकार को हटाने के लिए मछली शहर लोकसभा से संविधान का एक पन्ना बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। धन्यवाद। जय भीम।